याद है किश्तिये उम्मत के निगहवान, बेड़ाए तबाही के करीब बान लगा है लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदनी जिले के नाजरीन, इस सिलसिले में हम आपको कुछ इस तरह के फैक्ट्स बताने जा रहे हैं कि हमारे माशरे में बीमारियां किस कदर बढ़ चुकी हैं और इन बीमारियों की वजूहात क्या हैं और इनसे बचने का तरीका क्या होना चाहिए और एक सेहतमंद घराना किस तरह एक सेहतमंद मिसाली माशरा बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। ये हमारे सिलसिले का आज इन मौजूदात के गिर्द हमारा सिलसिला होगा। और सबसे पहले मैं हमारे जोहेब भाई को अर्ज़ करूँगा कि वो हमें वो फैक्ट्स बताएं कि दुनिया में इस वक्त बीमारियों की पोजीशन क्या है। तो चलते हैं जोहेब भाई की तरफ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ है कि हमें ये सिलसिला इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला खता और लग्जिशों से महफूज फरमाए। आप अव्वल ताखिर सिलसिला देखिए। जी जोहेब भाई, आप क्या कहते हैं? जी, थोड़ा सा हमने अपने तौर पे फैक्ट्स ढूंढे थे इस हवाले से कि दुनिया भर के अंदर जो बीमारियों का तनासब है वो क्या है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस अंदाज में जो है और किस तादाद में लोग मौजूद हैं उस बीमारी में। तो कुछ तकाबुल इस तरह से है कि हेपेटाइटिस के जो दुनिया भर में इस वक्त मरीज़ हैं वो 24 करोड़ के करीब मौजूद हैं और सिर्फ पाकिस्तान में 1.4 करोड़ लोग मौजूद हैं। इसके डायबिटीज यानी शुगर के जो अमराज हैं इसके अंदर तकरीबन 80 करोड़ लोग दुनिया भर में रजिस्टर्ड हैं और तकरीबन पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मौजूद हैं। दिमागी अमराज दुनिया भर में तकरीबन 1.25 अरब यानी 1.25 अरब के करीब लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। इसमें दिमागी अमराज दिमाग इसमें मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ लोग इसका शिकार है। दिमागी अमराज में। अच्छा, मंशियात यानी ड्रग एडिक्ट जो है दुनिया भर के अंदर 36 करोड़ अफराद मौजूद हैं ऐसे और पाकिस्तान में ये 80 लाख हैं। जल्दी अमराज दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों को है जिनमें से 15 लाख पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटीज हैं, माजूर अफराद दुनिया भर में 1 अरब है और पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ लोग इसमें मुब्तला हैं। आई साइट की प्रॉब्लम नाबीनापन जो है दुनिया भर में तकरीबन 21 करोड़ लोग हैं और पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 50,000 अफराद का जो है ना इसमें इजाफा हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में तकरीबन 1.13 अरब 1.13 अरब जो है लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का शिकार हैं और पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग जो हैं इसका शिकार हैं। फेफड़ों के यानी लंग्स के अमराज जो हैं दुनिया भर में 6.5 करोड़ लोग इसके अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 1,38,000 जो है अफराद रजिस्टर्ड हैं फेफड़ों के अमराज के हवाले से। मोटापा दुनिया भर में ये भी तेज़ी से बढ़ने वाला एक मर्ज़ है, दुनिया भर में तकरीबन 1.8 अरब लोग जो हैं इसका शिकार हैं और पाकिस्तान में 4.5 करोड़ लोग इसका शिकार हैं। बच्चों के अंदर इसहाल यानी मोशन वगैरह जो से जो अमवात हो जाती हैं दुनिया भर में तकरीबन 70 लाख जो हैं इसके अंदर जो है मर जाते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख। दिल के अमराज से जो अमवात हो रही हैं दुनिया भर में वो 90 लाख हैं और तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इसका शिकार हो जाते हैं। जी, हार्ट पेशेंट जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इस मर्ज में। राशा यानी पार्किंसन की जो बीमारी है दुनिया भर में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग इसका शिकार हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख लोग इसका शिकार हैं। और लास्ट के अंदर है ऑटिज़म जो इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के अंदर,
हर 58 में से एक बच्चा जो है इसका शिकार है दुनिया भर में, और पाकिस्तान जी ऑटिज्म का, और दुनिया भर में तकरीबन 3.5 लाख बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं अब तक। ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने निकाले थे कि सेहतमंद घराना किस, कुछ फिगर आगे पीछे भी हो सकता है ये मोहतात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं भी होती तो वो एक मोहतात अंदाज़ा होता है जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, ये इसमें जैसे ऑटिज़म है, इसके अलावा और भी चंद आपने अमराज सुने होंगे कि जिसके मुतालिक हमें पहले माजी में इतनी मालूमात नहीं हुआ करती थी, मगर अब ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं, और आप देखें दुनिया भर में करोड़ों की तादाद है, और बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान भी अब कहते ना कि अगर कोई तरक्की की तरफ फिगर हो ना तो आदमी कहे कि यार खुशी होती है, लेकिन जब बीमारियों की तरफ इतना बड़ा फिगर जा रहा है कि पाकिस्तान में भी करोड़ों की तादाद में इस तरह के बीमार और मरीज पाए जा रहे हैं, तो यकीनन ये एक खुशी की बात नहीं है। अब पाकिस्तान का ये हाल है, अब यूके हैं तो यूके के अंदर भी यकीनन इस तरह के मरीजों की तादाद कम नहीं होगी। बाज़ जगहों पर यह कि ज़रा खाने पीने में एहतियात होती है, बाज़ जगहों पर खाने पीने में एहतियात नहीं होती, लेकिन एक बात तो मैं अर्ज करूँगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह कई और ममालिक भी हैं कि जिनमें बीमारी से बचने की जो तदाबीर होनी चाहिए, बीमारी से बचने की जो तदाबीर होनी चाहिए, बीमारी से बचने के हवाले से और सेहतमंद रहने के हवाले से जो एक मैं कहूं कि नेशन वाइड मुल्की सतह पर कौमी सतह पर जो एक तरबियत का सिलसिला होना चाहिए, ख्वाह वो दीनी मदारिस हो, ख्वाह वो दुनियावी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, ख्वाह वो उसका ताल्लुक हमारे घर से है या किसी और मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूशन, क्योंकि घर भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, एक हमारा इदारा है जहाँ पर बच्चे की तालीम और तरबियत का सिलसिला रहता है और वालिदैन मेल और फीमेल उनको दोनों को टीचर आप ट्रीट करें। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे यहाँ सेहतमंद रहने के हवाले से वो सिचुएशन नहीं है, वो सूरत हाल हमें बताई नहीं गया थी, और सेहत अच्छी है ये बताया जाता है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या क्या अंदाज इख्तियार करने चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए वो डीपली नहीं बताया जाता, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ भी पैदा हो जाती हैं बदकिस्मती के साथ। और इसमें जैसे आपने चंद बीमारियां सुनी तो ज़ाहिर है कि अगर सेहतमंद रहने के हवाले से कुछ तरबियत कर भी दी जाए तो सेहतमंद रहने की जो सेहतमंद रहने की जो गिज़ाएँ हैं उन गिज़ाओं का हासिल होना ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे इन्होंने बीमारियां बताई हैं इनमें कई बीमारियां वो हैं जिनका ताल्लुक नाकिस पानी से, यानी कि जो पीने का जो पानी है वो बेसिकली पीने का नहीं है, जिसको हम अगर हम कहीं और जाएं ना तो उस पर शायद लिखा होगा कि नॉट फिट फॉर ड्रिंक या नॉट फॉर ड्रिंक ये लिखा होगा, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया के कई ममालिक हैं कि जिनमें पानी जो है वो मुजीर सेहत आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह, क्योंकि पानी, खुद पानी तो बड़ा खूबसूरत एक और एक इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ इसी तरह दीगर गिजाएं, अच्छा जहां मिलावट का रुझान ज्यादा होगा, गिजाओं में मिलावट हो रही होगी, वहां भी सेहतमंद माशरा एक ख्वाब है, यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी भी इदारती तौर पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के तौर पर, इवन रियासती तौर पर, गवर्नमेंट लेवल पर भी अगर सेहतमंद रहने के हवाले से कोई कंपेन चलेगी और लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि जनाब आप सेहतमंद रहें और ये ना करें, तो उन्हें एटलीस्ट आप वो माहौल तो प्रोवाइड करेंगे ना, पोल्यूशन से बचाएंगे, इन्हें धुआं से बचाएंगे, यानी धुआं और स्मोकिंग, स्मोक एनवायरमेंट ये अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर हम कहेंगे जनाब आप सेहतमंद भी रहें, तो ये जिन्होंने फेफड़ों के जो मरीज बताए, कितने बताए आपने, ये फेफड़ों के तकरीबन जो अमराज है, नहीं नहीं करोड़ों की तादाद, करोड़ों में फेफड़ों की तादाद, फेफड़ों के मरीज भी करोड़ों में,
और 6.5 करोड़ दुनिया भर में मौजूद हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही जो है 1,38,000 लोग इसमें मौजूद हैं। अब देखें ये वो है जो है सब रजिस्टर्ड हो गए, जो रजिस्टर्ड है, बाकी जो पता ही कोई नहीं है कि मुझे बीमारी क्या है, फेफड़े क्या है, गुर्दे क्या है, शुगर, कई ऐसे होंगे जिनको शुगर का मर्ज होगा मगर वो टेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी तादाद वो जो टेस्ट नहीं करवाते। अलबत्ता मैंने कुछ आपके सामने तमहीद बांधी है और कुछ चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। आज चूँकि हम मेरे साथ इस्लाम भाई भी हैं, जोए भाई भी हैं, डॉक्टर सलमान भी हैं, अभी आप वीडियो लिंक पर सोबान भाई को भी देख रहे हैं, डॉक्टर जीरक भी हमारे साथ सिलसिले में शामिल हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले यूके से जो डॉक्टर जीरक यूके लेस्टर से जो हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपने डॉक्टर साहब हमारी पूरी वो सुन तो ली होगी। हम आज ये चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो सेहतमंद घराना रहे, बड़े छोटे सारे सारे किसी हद तक सेहतमंद रहें। नॉर्मली तौर पर बीमारियां आती हैं और बीमारियां रहमत बनकर भी आती हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए कि दो दो नेमतें जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, एक सेहत दूसरी फुर्सत। और एक और हदीस पाक का ये हिस्सा है कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। और आपने एक मुहावरा कई दफ़ा एक जुमला सुना होगा, तंदुरुस्ती 1,000 नेमत है, कि जब इंसान बीमार हो जाता है जहनी तौर पर या किसी भी तौर पर तो वो बहुत सारे काम इवन के इबादत भी करने में उसके लिए दुश्वारियां हो जाती हैं, घुटनों का दर्द या फेफड़ों का दर्द या मुख्तलिफ आज़ा का दर्द होता है तो सजदे रुकू में उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती हैं और भी इसको बीमारियां हो जाती हैं। तो मतलब इबादत हो या दीगर जिंदगी के मामला हों, अगर तंदुरुस्ती ना हो ना तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, फिर घर में भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो हम चाहते ये हैं कि सेहतमंद घराना, ये आज हम अपना सिलसिला लेकर आपके साथ जो आए हैं, तो इस पर जो बीमारियों की हमने आपको डिटेल भी दी कि ये बीमारियां भी बड़ी बड़ी हैं जो माशरे में एग्जिस्ट कर रही हैं। डॉक्टर जीरक, इस मामले में आप अपने क्या मदनी फूल अता फरमाते हैं? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। सबसे पहले आप बीमारी से सबसे पहली एक बात तो ये है कि जाहिर है कि आदाद और शुमार जैसे बयान किए गए थे, ये आप किसी भी मुल्क में देखेंगे तो वो बढ़ रहे हैं। इसकी दो तो बुनियादी वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये है कि जो जो मेडिकल नॉलेज तरक्की कर रहा है और डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस तशखीस के तरीके हैं वो नए नए ईजाद हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बीमारियों की तशखीस ज्यादा होती है या अवाम में पब्लिक अवेयरनेस की वजह से वो डॉक्टरों से रजू करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो फिगर्स हमें नजर आते हैं वो हकीकी तौर पर ज्यादा हो, बाज़ भी होता है कि बीमारी पहले से ही होती है लेकिन उसका कोई तशखीस का तरीका पहले नहीं होता या अवाम को अवेयरनेस नहीं होती। एक तो ये बात अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो जो हमारे रहन सहन के तरीके में तब्दीली आ रही है, जैसे पहले देखा जाए तो ज्यादातर मेहनत और मशक्कत के काम होते थे, चलना फिरना जो है वो ज्यादा होता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है या तो पैदल होता था या साइकिल, लेकिन जो जो हमारा रहन सहन जो है वो आसानी की तरफ और आसाइशों की तरफ जा रहा है, कार पर जो है वो हम सफर कर रहे हैं, खाने पीने के हवाले से देखा जाए तो मुजर सेहत गिजाओं का इस्तेमाल, इसी तरह इसके पिछले भी चंद दो सिलसिले पहले इस पर तफसीली कलाम भी हुआ था। तो जो जो अगर मैं ये कहूँ कि हमारा रहन सहन जो है वो सहल और आसाइश की तरफ जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा है बीमारियों के बढ़ने में। देखिए डॉक्टर सलमान, आप क्या फरमाते हैं? ऐसे भी ये सेहतमंद घराने के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो सब सारी आपने डिस्कस कर ली हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि फीमेल की हेल्थ, जो घर के अंदर जो वालदा हैं जो फीमेल है उसकी हेल्थ कितनी वो कैसी हैं, अमूमी तौर पे ये नेगलेक्ट हो जाती है। अब जैसे कि एक फीमेल है वो दिन भर काम भी कर रही है, औरत घर की औरतें और जो हैं, अब इनकी जो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इनका तब्दीलियाँ भी इनके अंदर डिफरेंट हो रही होती हैं। अब इनका जो नंबर वन जो बीमारियों की जो वजह बनती है वो एनीमिया बनती है, यानी खून की कमी।
अभी अमूमी तौर पर ये लोग टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं, ना तवज्जो होती है। खून की कमी होने की वजह से संभले जो मेरे पास डेटा मौजूद है, सालाना 110,000 औरतें जो हैं वो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ यानी जब डिलीवरी हो रही हो तो उस टाइम या बच्चा एक्सपायर हो जाता है या वालदा एक्सपायर हो जाती है। अब इसके बाद जब ये डिलीवर हो भी चुका होता है तो वालदा की सेहत के ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है ये इम्पोर्टेंट है, और वालदा की खुद सेहत कितनी है। अब इनके जैसे खून की कमी मौजूद होती है, ग्लूकोज वगैरह इनका बैलेंस नहीं होता, विटामिन डी कैल्शियम इन लोगों का अक्सर कमोबेश कम ही होता है, तो इनके अंदर जो बीमारियां जो उभर रही होती हैं लेकिन उसके साथ भी ये काम कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि कुछ अरसे तक तो ये सिलसिला चलता रहता है लेकिन आगे चलने के बाद इनमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन डिवेलप हो जाती हैं, और ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि फीमेल्स के अंदर जो दिमागी अमराज होते हैं, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, मर्दों के मुकाबले में रिलेटिवली ज़्यादा होता है। मर्दों का हेल्थ वो वर्क स्ट्रेस एक ही जगह होता है जैसे जहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फीमेल्स के ऊपर जो होता है औरतों के अंदर जो वर्क स्ट्रेस होता है वो घर के अंदर भी होता है, बच्चों के ऊपर भी होता है, अपनी सेहत पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है। कि अब वो यंग एज के अंदर जिनकी शादियाँ हो जाती हैं तो उनका ना भी ऐसा कोई सिस्टम है कि पहले उनका ब्लड प्रोफाइल करा लिया जाए, इनका क्या बॉडी स्टेटस है, कैल्शियम कितना है शादी से पहले। ज़्यादातर तो हम यही प्रमोट करते हैं, तो रिकमेंडेड भी ये है कि शादी से पहले इनका खून कितना है, आयरन प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हो जाएं। जस्ट लाइक मतलब आप मदनी चैनल के नाजरीन में जो ऐसे हमारे आशिकन रसूल हों के जिनकी बच्चियों की अभी शादियां नहीं हुई, ये तो शुरू से हम शुरू कर देते हैं। अब फिर वो शादी होती है वो फिर वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं। शादी से पहले वो आप उनको कौन से टेस्ट जैसे भी नॉर्मल से टेस्ट हैं, जैसे खून की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और अपनी डाइट को मॉनिटर करके रखें। रेयरली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर होगा कि एक या दो फीमेल मिली होंगे जिनका हीमोग्लोबिन 10 या 12 तक मुझे प्रॉपर मिला होगा, वरना अदरवाइज ये 10-11 या 8-9 के बीच में ही रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। खून की कमी होती है, खून की कमी होने की वजह से इनके अंदर सुस्ती, बिल्कुल निढालपन, दूसरा फिर सांस का फूल जाना, फिर वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, काम कर रहे हैं, एक तो वैसे ही जिस्मानी कमजोरियाँ होती हैं, फिर आगे जो चीज़ें आ रही होती हैं जैसे प्रेगनेंसी आ गई, बच्चे आ गए, इनको साथ लेके लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे की पैदाइश का भी सबब बनती है, और अगर माँ बीमार हो और तरह तरह की उसके अंदर खुदा ना खास्ता बीमारियाँ अगर उसके अंदर हैं तो जाहिर बात है कि उसका इफेक्ट उसके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। और ये सेहतमंद रहे इसके लिए घर के जो इस्लामी भाई हैं उनको या घर के और दीगर बड़े हैं उनको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो सेहतमंद रहेगी। तो सेहतमंद में मैं तो ये देखता हूँ कि जब आपके घर में सेहत है ना, तो घर के जैसे 6-7 अफराद हैं, इन सब में बीमारियाँ खुदा ना खास्ता, अब ये सारे डॉक्टरों के धक्के खा रहे हैं और सारे डॉक्टरों के धक्के भी खा रहे हैं और डॉक्टरों से दवाई भी आ रही है और दवाइयों के सबके अलग अलग डब्बे भी बने हुए हैं। इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं जिसके अंदर वो ट्यूबें और सेरप और टेबलेट और सारी चीज़ें वो भरी हुई होती हैं, तो खाने के बाद ये तो खाने के पहले ये, अब ये सबके डब्बे भरे हुए हैं। अगर इन सबको जमा करें और महीने की डॉक्टर की फीस जमा हो, डॉक्टर भी फिर डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं ना, अगर डॉक्टर साहब नाराज ना हो तो डॉक्टर भी तो डॉक्टर होते हैं ना, एक हफ्ते के बाद फिर आइएगा तो 4 दिन के बाद फिर आइएगा, तो उन्होंने भी तो बाद औकात रिक्वायरमेंट होती है मरीज के आने की, और बात हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसे डॉक्टर हो जिन्होंने अपने मरीज को एज ए कस्टमर ट्रीट कर लिया हो कि चलो भाई आ तो गया है। तो बात ऐसे हैं प्रोफेशन डॉक्टर के भी कि जो ना चाहते हुए भी उनको शायद बुलाने की हाजत रहती है। अलबत्ता तो अगर आप इसका पूरा अपना सालाना बजट निकालेंगे ना, जबकि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेडिकली कॉन्शियस पीपल की कमी है, या मतलब कि डॉक्टरों के पास इतनी आमदोरफ्त नहीं है हमारी, जिस तरह ये और डॉक्टर जीरक वगैरह जो हमें बताते हैं कि किस तरह मतलब कि एक शख्स को कंटिन्यू अपनी सेहत के हवाले से डॉक्टर्स के साथ इसको कंसल्टेंसी इसकी होनी चाहिए, रब्ता होना चाहिए, वो हमारे अमूमन ऐसा कल्चर है नहीं, माहौल है नहीं, जिसकी वजह से फिर बीमारियां अंदर पनप रही होती हैं। इन तमाम तर कफलतों और सुस्तियों के बावजूद भी अगर आप अपने मेडिकल का सालाना खर्चा निकाल लेना
ऑल ओवर द फैमिली मेंबर, तो शायद वो भी कई घरों में तो लाखों की तादाद में ना, मतलब लाखों का फिगर ना बन जाए, सालाना बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में तो एक आदमी हज और उमरा कर ले, अगर अपने आप को हम सेहत की तरफ लेके जाएं, मदीना देख लें, मक्का देख लें, फिर सेहत नहीं होगी तो उमरा कैसे करेंगे, तवाफ कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे। मदीने मुनव्वरा भी हाजिरी देनी है, सरकार के रोजे पर भी हाजिरी देनी है, वहां भी चलने का बहुत कुछ होता है। हज करेंगे तो अरफात का मैदान है, मुजदलिफा का मैदान है, कैसे जाएंगे, किस तरह सफर करेंगे, वहां इतना वक्त कैसे गुजारेंगे, पानी का भी वहां मसला होगा, पीने का मसला होगा, खाने पीने का मसला होगा। ओहो अरफात से फिर फौरन भाग भाग कर, मतलब कि अरफात के फौरन बाद हमें मुजदलिफा जाना होगा, कैसे करेंगे हज के सारे मामला अगर अल्लाह ना करे सेहत ही ना हुई तो मेरी मदनी इल्तिजा है सेहतमंद रहने की कोशिश करें। सोबान भाई माशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं जी। सोबान भाई सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह हर दफा की तरह मिसाली माशरे में एक मिसाली टॉपिक लेके आप तशरीफ फरमा है और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन और आशिकान रसूल बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज अर्ज करता हूँ कि वाकई हेल्थ और सेहत जो है ये हर दौर में मेजर कंसर्न है इंसान का और बहुत ज्यादा, और जिस तरह आपने भी फरमाया कि सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। और देखा जाए तो सेहतमंद घराने का जो टॉपिक है हुजूर हमारा, इसके अंदर जो सबसे पिवोटल और सबसे अहम रोल है वो तो माँ बाप का बनता है। यानी माँ बाप अगर देख रहे हैं कि उनका बच्चा एनेमिक है, उसको आयरन की कमी है, वैक्सीनेशन का क्या स्केड्यूल है जिसके मुताबिक उसको वैक्सीनेशन लगनी है, ओरल हाइजीन उसकी क्या है, उसके दांत को साफ कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उसकी जिंदगी का स्टाइल है। तो हुजूर फैमिली जो है यानी खानदान, इट्स ए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, टेकिंग केयर ऑफ समथिंग टोटली इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी घराना फैमिली ये तो एक मुकम्मल निजाम है। जिस तरह एक मुल्क में बहुत से शोबा जात होते हैं, फॉरेस्ट्री होता है, सिक्योरिटी के शोबे होते हैं, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होती है, उनका एक दूसरे पर इनसार होता है, इसी तरह खानदान के अंदर एक फैमिली में तमाम अहले खाना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और बेस्ट पार्ट इसका यह है कि ये खानदान एक ऐसा निजाम है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिंदगी की ऊंच नीच में, यानी अगर कोई गमी के लम्हात आ गए, खुशी के लम्हात आए, तो यही वो फैमिली मेंबर हैं जो सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं, यही आपकी मदद करते हैं। चले ये इनके नेट इनकी मदद नहीं कर पा रहा बेचारे, ये देखे कोई एक चीज मदद नहीं कर रही होती है कि कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। आप कुछ कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर जीरक सोबान भाई को? ही फ्रीज जी, मैं जब सोबान भाई अपने जो है वो मदनी फूल दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि असल में क्योंकि मेरी यहाँ डॉक्टरी के हवाले से तालीम और तरबियत यूके में हुई है और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है ना, इन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ के हवाले से है और हेल्थ के हवाले से बच्चों को सिखाया जाता है। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर ये अपने जो है ना अपने आने वाली नस्लों का जो है वो ख्याल रखते हैं। और पब्लिक एजुकेशन अगर मैं कहूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हर जगह पे, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक हो, पब्लिक एजुकेशन हेल्थ के हवाले से इंतहाई जरूरी है। और बाज दफा हमारे लोग सोचते हैं कि मॉडर्न इलाज हो, कोई महंगी दवाई हो तो उससे जाने ज्यादा बचती होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेहत पर असर पड़ता है वो हमारी रोजमर्रा की जो है वो हम क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन उस हवाले से कितनी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि खानदान के अंदर जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, वो खुद भी हेल्थ के हवाले से सीखें। जो बुनियादी तिब्बी जरूरतें होती हैं, सफाई का ख्याल रखना, बिलखसूस हाथों की सफाई का ख्याल रखना। जब सोहेब भाई फिगर्स दे रहे थे तो मैंने नोट किया कि दीगर बीमारियों के हवाले से हेपेटाइटिस की प्रोपोर्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है दीगर बीमारियों की निस्बत। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मिसाल के तौर पर पानी जो है इसको साफ करके ना पीना या उबाल कर ना पीना। फिर इसी तरह जब दुकानों पे हजाम की दुकान पे जाते हैं, ये में हेपेटाइटिस के जो कोविड होते हैं कि बिलखसूस जो है वो हजाम की दुकान पर या डेंटिस्ट के पास जाकर ये जो आले इस्तेमाल करते हैं उनको सही तरह से साफ नहीं किया जाता।
तो घर के अंदर जो है जब पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो इंशाल्लाह ये घराना जो है वो वाकिफ जो है वो सेहतमंद घराना बनेगा। अच्छा डॉक्टर सलमान ये बताएं कि जैसे कि इसमें जोए भाई आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अब हम अगर थोड़ा सा देखें हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं कि आपने जैसे फीमेल को डिस्कस किया तो बच्चे को भी डिस्कस करना चाहिए, इसकी एहतियातें अलग होंगी, बच्चे की एहतियातें अलग होंगी, शायद मर्दों की कुछ एहतियातें अलग होंगी, कुछ ना कुछ होगा, तो आखिर मतलब कि हम बैठकर ये क्यों ना हम अपने नाज़रीन को बताएं कि आप जैसे कि पानी का भी इशू आया और वाकई पानी खुद पाकिस्तान में पानी एक बहुत बड़ा मैटर है, एक तो पानी की किल्लत एक बड़ा प्रॉब्लम है, अल्लाह करम करे और हमारे मुल्क से ये पानी की किल्लत की जो तकलीफ है अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा दे, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, हमें अपने अपने जो भी असबाब हैं वो असबाब बिल्कुल पूरे करने चाहिए, जो मुल्क की सतह पर जो डैम बनाने हैं या मुल्क की सतह पर मज़ीद जो इसके लिए हमें तरक्की के काम करने हैं अल्लाह करम करे और उसमें हम मतलब के अपना जो भी एक मुस्बत रोल है वो प्ले करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अल्लाह से दुआ भी हम करते हैं कि उसकी रहमत बहुत बड़ी है, वो हमें वो पानी उसी की मर्ज़ी से आएगा, उसकी मर्ज़ी होगी तो पानी मिलेगा, तो वो पानी अता फरमाए और हमारे मुल्क में और जहाँ जहाँ मुसलमान पानी की किल्लत का शिकार हैं, पानी की कमी का शिकार हैं, अल्लाह करीम उनकी उन तकलीफ़ों को भी दूर फरमाए, लेकिन जो पानी हमें मैसर है, पीने का पानी हमें मैसर है, अगर हम बाहर मिनरल वाटर के नाम पर पीने का पानी भी साफ पीने का पानी भी लेने जाते हैं, क्योंकि हर पानी मिनरल वाटर नहीं होता, जो तहकीक है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, गलत हो तो मैं मतलब पेशगी माजरत कर लेता हूँ आपसे, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हर पानी मिनरल वाटर नहीं होता, वो मतलब यूँ समझे कि वो पानी पीने के लिए कोई एक साफ सुथरा पानी मैसर आ जाता है, लेकिन वो भी महंगा है, मतलब एक आम बजटेड आदमी बाहर से खरीद कर पानी पी सके इसकी उतना मतलब वो आसान नहीं है, एक बड़ा बोतल तो घर में बच्चे वगैरह हो तो बड़ा बोतल तो खत्म हो जाता है घर के अंदर, 19 लीटर का होता है वो कमोबेश 80 या 90 रुपए का जी। 80-90 रुपए का तो आम है, इससे थोड़ा ये तो फिल्टर्ड है, उस पे आप ऊपर जाए सिर्फ 200-250 रुपए का भी बोतल आता है, 100-150 रुपए का, मतलब अप्रूव्ड हुई ब्रांड है, तो जैसे 220 का है, जो 220 का है 200 रुपए का, मतलब 200 से 250 रुपए की अगर मतलब आपकी डेली की सिर्फ इसमें कॉस्ट आ जाएगी पानी, 200 रुपए आपका पानी में निकल जाएगा, तो 200 पानी का मतलब हुआ कि आपके 6-7 हजार रुपए तो महीने के पीने का पानी, पीने का पानी, अभी इसमें कुकिंग भी अगर हो जाए तो फिर ये बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो मतलब 7-8 हजार रुपए अगर किसी शख्स का पानी पीने में निकल जाए तो उसमें भी इतनी तसल्ली नहीं है कि वाकई वो मिनरल वाटर या इतना है या नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि आप घर में पानी बॉयल करें। डॉक्टर साहब बॉयल वाटर के ऊपर आप क्या कहते हैं? ऐसे जो पानी को हमने अभी जो अंडर कंसिडरेशन लिया है, जैसे डॉक्टर जीरक ने अभी इम्पोर्ट किया था कि जो हेपेटाइटिस का, तो हेपेटाइटिस के भी 3-4 वैरायटी होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर जीरक ने, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये फैलती ही पानी के थ्रू है, और इसके जो अलामतें होती हैं वो ये होता है कि बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर मोशन उल्टी मोशन की सिम्टम्स आ जाते हैं, वो पीलिया आ जाता है एक, दूसरा ये होता है कि जो पानी जब भी ख़राब होता है डिस्टर्ब होता है बिलखसूस बच्चों के अंदर, ये वाटरी मोशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो है यंग बच्चों में यानी 1 साल से कम या 2 साल से कम के अंदर एक्सेसिव मोशंस की वजह से जिसम से पानी नमकियात निकल गया अगर, तो ये पे हॉस्पिटलाइज इनको करना पड़ जाता है, और पानी इज वेरी समझ नंबर वन वैक्टर है, यानी बड़ा बहुत बड़ा सोर्स है वो जो कैरी करता है इन्फेक्शंस का, और यही पानी अगर खाने वगैरह में हो जाए इस्तेमाल हो जाए तो फूड पॉइजनिंग वगैरह। अब इस पानी को इस्तेमाल करने का एक तो जैसे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर तो इतने वो रिलायबल नहीं है एक, दूसरा जो अप्रूव्ड हैं जो यहाँ पे ऑफिशियल साइट्स हैं उनके ऊपर मेंशन हुए हैं कि ये ब्रांड्स अप्रूव हैं, तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले लें, लेकिन अगर घर के अंदर आपने पानी इस्तेमाल करना है तो पानी को भी बॉयल करके इस्तेमाल करना होगा, लेकिन बॉयलिंग का भी तरीका ये होता है कि जो कंटेनर में बॉयल करें एटलीस्ट पहले वो साफ़ हो,
क्योंकि उसमें स्केलिंग वगैरह यानी नमक वगैरह जब वो बॉयल होगा एक दफ़ा तो स्केलिंग बन जाती है, नमक वगैरह जम जाता है तो उसका भी अपना एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। तो जो कंटेनर है, पतीला है, जो भी, उसको उसको अच्छी तरह बॉयल करने के लिए कम से कम 30 मिनट तक वो बॉयल हो। तो इस मिनट तक बॉयलिंग के बाद वो फिर उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जरासीम होंगे, किसी हद तक मर जाएंगे। अगर वो हार्डनेस की तरफ हुआ तो सॉल्ट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको फिर आप छान के उसको फिर किसी कंटेनर के अंदर यानी कूलर वगैरह में, बॉटल्स वगैरह में आप उसको रखें, प्रिजर्व कर लें। अभी कूलर है, पानी की बोतलें, इनका साफ रखना, इनका साफ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी कंटेनर होता है पानी जिसमें हम रखते हैं, कूलर में रखते हैं या मटके में या बोतल में, ये बहुत कम रेयरली साफ होती है। ऐसा में इनको धूप नहीं दी जाती, इन्हें धूप देनी चाहिए, धूप भी देनी चाहिए, धोना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इसको धोया, बिल्कुल, धोने के बाद आप इसको धूप दें, इसको धूप में रखें, और धूप में रखने से भी इसकी बहुत सारे जरासीम जो है ना वो मर सकते हैं। हम लोग धूप के जरिए सेहतमंद रहने का नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या हमें पता ही नहीं है कि सूरज की रोशनी में भी कितनी बीमारियों से शिफा अल्लाह करीम ने रखी है, और उसके अंदर भी कितनी सेहत और ताकत अल्लाह की रहमत से हमें मिलती है। मैं कहता हूँ शायद धूप के ज़रिए आंखें भी दुरुस्त होती होंगी और दीगर जो घुटनों के जो अमराज हैं वो भी धूप के ज़रिए, जो सूरज की जो रोशनी पड़ती है उस सूरज की रोशनी के अंदर कितनी ही सेहत के राज छुपे हुए हैं तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उसकी तादाद क्या होगी। लेकिन मेडिकल भी ये बाकायदा इस बात पर प्रूफ करती है कि सूरज की रोशनी में भी कई मरीजों के लिए सेहत के राज छुपे हुए हैं। अलबत्ता मैं सिलसिले को आगे लेकर चलता हूँ और मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप एक सेहतमंद घराने के लिए कम से कम चंद चीज़ों को ज़रूर उसका लिहाज रखें, और इंशाल्लाह फिर आपकी कॉल्स भी हमने लेनी है कि आप इस मामले में क्या अपनी राय रखते हैं। घर और घर के बाहर सफाई का एहतमाम करें, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा एहतमाम क्या करें, गंदगी ना हो, कचरा ना हो, घर के अंदर भी ना हो, घर के बाहर भी ना हो, बाथरूम भी साफ़ हो, किचन भी साफ़ हो, और बर्तन भी आप साफ रखें। पीने के पानी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर सलमान ने अपनी हमें बयान कर दिया है। इसी तरह बास बुरी आदतें हैं जो उमूमन घर के अफराद में होती हैं, इसमें जैसे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह आ जाती है, इससे भी आपकी और आपके घर वालों की सेहत बर्बाद होती है। आपकी तो हो रही होती है लेकिन जो दूसरे घर वाले जो सिगरेट पी तो नहीं रहे मगर सेकंड हैंड स्मोकर कहलाते हैं कि वो सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन आपके सिगरेट के धुएं से वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं और घर में भी माहौल ख़राब हो रहा है, इसको भी छोड़ दें। इसी तरह बाजारी खाना, इससे हत्तल इम्कान ना बचने की कोशिश करें। सब्जी फलों को गिज़ा का लाजमी जुज बनाएं और बच्चों को भी ये खाने की आदत डालें, इंशाल्लाह इससे भी सेहतमंद रहने की सूरत बनेगी। बाहर की जो मुख्तलिफ जैसे कि बड़े ही कचरे किस्म के और कहते हैं ना कि वो गैर मियारी किस्म के चिप्स और इस तरह की गैर मियारी किस्म की बाहर की ऐसी अशिया होती हैं जिन्हें बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, 2-5 रुपए की मिल जाती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन 2-5 रुपए में क्या मिलता है, 2-5 रुपए में बीमारी तो मिल सकती है, सेहत तो नहीं मिल सकती, दवाई भी कहाँ 2-5 रुपए की, 2-5 रुपए में दवाई तो मिलती नहीं है, 2-5 रुपए के अंदर इतना खूबसूरत सा पैकेट मिल जाता है, समझ नहीं आती कि 2-5 रुपए का पैकेट कैसे बन गया, ये इसकी थैली इतनी खूबसूरत कैसे बन गई, इसके अंदर ये मटीरियल कैसे आ गया, इस पर कॉस्ट क्या आई हुई होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बीमार करने वाली चीज़ है ना वो 2-3 रुपए की 4 रुपए की मिल जाती हैं लेकिन सेहतमंद करने वाली चीज़ सस्ती नहीं मिलती। इसी तरह किसी भी बीमारी की अलामत को हल्का ना जाने, फौरन डॉक्टर से राबता करें ताकि वो बढ़ ना जाए। अच्छा, जिस्मानी वर्जिश का सिलसिला कुछ ही हद तक अपनी उम्र और अपने वजन के मुताबिक उसको भी जारी रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सिलसिला एक तरफ लेके जा रहा हूँ, दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ जो बच्चे सेहतमंद नहीं हो पा रहे और बच्चों में बीमारियों की जो परसेंटेज बढ़ रही है, आजकल मैं खुद नोट कर रहा हूँ कि बच्चों में आँखों की बीमारियाँ ये बढ़ रही हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? जैसा बच्चों के अंदर आँखों की बीमारियाँ अब बढ़ रही हैं,
डॉक्टर जीरक आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है कि बच्चों की बीमारियों में आंखों की प्रॉब्लम, आई साइट बच्चों की ज्यादा वीक हो रही है, स्पेशली 8-10 साल की उम्र तक जाकर इनकी आंखें ज्यादा कमजोर हो जाती हैं? असल में यूं, क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी डिफरेंट है, डायरेक्ट फिगर्स या उसके हवाले से तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन ये कहा जा सकता है कि मुशाहिदा जो आजकल स्क्रीन हो रहा है बच्चों का टीवी के जरिए, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के जरिए, चाहे उसमें मोबाइल फोन हो, नहीं मतलब बढ़ रहा है, हम कोशिश की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे चश्मे वाले बच्चे ज्यादा हो गए? यकीनन इसमें जो है वो ज्यादती तो नजर आएगी। नजर आ, ज़ोहेब भाई आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रही है, और शायद एक फैक्टर हैंड हेल्ड डिवाइसेस के अलावा जो है शायद ईटिंग हैबिट्स जो है वो भी इफेक्ट कर रही है मेरे ख्याल से इन चीज़ों को, कि बच्चों की जो हेल्थ है ना सिर्फ आंखों की बल्कि जिस्मानी तौर पर भी जो ईटिंग हैबिट है वो हमारे यहाँ सही नहीं है। वो तो भाई साहब ईटिंग हैबिट भी है, लेकिन जो इसमें कोई विटामिन ए होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आँखों के लिए ज़रूरी होता है, वो जैसे गाजर वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा जायद मकदार में होता है, लेकिन जो अब डिवाइसेस का जो इस्तेमाल हो रहा है जैसे मोबाइल है, स्क्रीन है, टीवी है, इनकी जो रेडिएशंस होती है ना, दे आर वेरी हार्मफुल। उसकी वजह से अब जैसे कि ये कुछ बच्चों का अब जो पैदाइश के कुछ ऐसा भी तो 6 मंथ बाद अभी ऑब्जर्वेशन में आना शुरू हो चुका है कि अगर कोई डिवाइस है या मोबाइल है अगर आप किसी बच्चे के सामने रखते हैं एक पोजीशन पे, तो दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं वो स्ट्रेट हों, सही। अब वो किसी एक साइड पे अगर हो गया तो डिविएशन हो जाती है आंखों की। अगर मुस्तकिल 1 घंटा या 1.5 घंटा राइट साइड पे देख रहा है बच्चा, ये कम उम्र बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 6 माह या ऑनवर्ड है, तो उसी तरह उसकी आंखों में डिविएशन आना शुरू होते हैं जिसको हम स्क्विंट बोलते हैं, जो भेंगापन उसको बोलते हैं। असल में आंखों के होते हैं 6 मसल्स जो आंखों की जो आई बॉल होती है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब यंग एज में 6 माह से ही अगर बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए, वो मोबाइल के साथ कोई भी चीज़ कार्टून वगैरह लग गया, वो देखते हुए वो खा रहा है, पी रहा है या जो भी कर रहा है, तो एक एंगल के ऊपर अगर देख रहा है तो उस एंगल से उसका डिविएशन होना अभी से शुरू हो जाती है, और वही एंगल अगर परसिस्टेंट किया, जैसे वालदा मूवमेंट राइट हैंडेड है बच्चा कहीं इस पोजीशन में, तो यहाँ से दिखा रहा होता है तो बच्चा लेफ्ट साइड को अपने देख रहा होता है, तो ये अब डिविएशन शुरू हो चुकी है। अब जो राइट साइड के मसल है इनके अंदर स्ट्रेचिंग आ रही होती है, ये वाले मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं, ये संभलने अगर ये शुरू से डिवाइसेस का इस तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो आंखों के अंदर जो स्क्विंट है, जो टेढ़ापन है वो शुरू हो जाता है, इसके बाद ही फिर ये नंबर का फिगर भी आ जाए। और भी बहुत सारी चीजें जगह हम इसकी स्टडी करते हैं, तो जैसे डिवाइसेस की बात आई, डिवाइसेस में सब आ जाता है, पीसी टेबलेट आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, मोबाइल फोन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अगर आप देखें तो खुद टीवी इसमें एक बहुत बड़ा, जैसे कि एक बड़ी स्क्रीन है, और आजकल वैसे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, पहले टीवी पर सिर्फ आदमी कोई सिलसिले या प्रोग्राम देख लेता था, आज टीवी भी मल्टीपर्पज़ हो गया है, इसी में पूरा नेट और पूरी कनेक्टिविटी इसी के अंदर है, और फिर बड़ी बड़ी गेमें इसके अंदर मतलब कि खेली जाती हैं, और आजकल गेमों में भी सुना है कि मुझे कोई अभी मतलब कि पता नहीं, मैंने ऐसी कोई टीवी पर गेमें देखी नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि टीवी के जरिए बहुत बड़ी बड़ी गेमें आ गई हैं, तो गेमों में भी ये हो गया कि अब वो पार्टनर बना लिए जाते हैं, मतलब कोई इस तरह की ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम ऑनलाइन होती है, अब ये ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो फिर वो आपको जो दीगर किसी भी मुल्क में वो आप उसके अप अगेंस्ट आप खेलना, आप मतलब दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं, बल्कि वो तो काफी एडवांस हो गया है कि अब लोग अपनी अपनी पूरी टीम बना लेते हैं, जैसे 4 दोस्त हैं अपनी टीम बना लेंगे और वो मिलके खेल रहे होंगे किसी और टीम के साथ, तो वो बहुत ज्यादा, और इनका जो है ना इसकी वजह से भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नुकसान तो हो रहा होगा आंखों को, कि कई कई घंटे तक जो है ना अंधेरा करके खुसूसन एक माहौल बनाते हैं इस तरह के गेमर्स जो है, हाँ, और वो जो है फिर गेम खेल रहे होते हैं, घंटों घंटों लगे हुए होते हैं उस गेम के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल से जब बड़ी स्क्रीन हो, लाइट ऑफ हो, और फिर वो एक माहौल बना के जब खेल रहे होते हैं तो वो गेम भी खेल रहे होंगे, फिर होगा ये कि जैसे मिसाल के तौर पर ये गेम खेले तो इधर चिप्स पड़े हुए होंगे, तो इधर कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई होगी, तो कुछ पिज्जा शिजा भी पड़ा हुआ होगा, तो ये भी चल रहा है, तो ये भी चल रहा है, तो वो भी जा रहा है, तो ये सारा अंदर जा रहा है, मूवमेंट तो इनकी होती नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ना नमाजों का अमूमन ख्याल रहता होगा, ना जमातों का ख्याल रहता होगा,
ना कोई और ऐसी मतलब के दुनिया और आखरत को बेहतर करने वाली एक्टिविटीज़ होती होंगी। इन इन चीज़ों में हम लोग पड़ गए और हमारी हमारा सरमाया भी ज़ाया हो रहा है, हमारे बच्चों की जहनी सलाहियतें बर्बाद हो रही हैं, इनकी सेहत बर्बाद हो रही है, इनकी आंखों को नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, और मतलब कि फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है कि वो कोई किसी के साथ गुल्ले मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे एक सेहतमंद घराने का जो ख्वाब है इसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं, जबकि हमने सारी एक घर के अंदर ये जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं, पाली हुई हैं, तो ये कैसे होगा। चलो एक टीवी है, अल्लाह तौफीक दे, मदनी चैनल हम देख रहे होते हैं, अब 24 आवर कौन मदनी चैनल देखता है, लेकिन चले जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ फिर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हम चले गए और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक शुआएं हैं उससे हम हमारे दिमाग को भी इफेक्टेड कर रही होती है। एक चीज़ है, बात चीज़ ऐसी होती है जो एक्सरे की तरह हमें इफेक्ट कर रही होती है, जैसे एक्सरे की भी तो रेज होती है ना, एक्सरे की जो रेज होती हैं वो रेज जिस तरह जिस्म के अंदर जाकर अपना काम करती हैं, इस तरह ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी रेज होती हैं, इनकी शुआएं होती हैं जो अपनी आँखों को, दिमाग को, कानों को ये भी इफेक्टेड कर रही होती हैं। मुझे तो अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि हेडफोन का भी ज़्यादा इस्तेमाल शायद ये कान को नुकसान देता हो तो कोई ताजुब नहीं है। ऐसा अभी जो रिकमेंडेशन है WHO की वो है आपके मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 आवर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2 घंटे से ज्यादा आप इस मोबाइल अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो लिस्ट ऑफ बीमारियां जो अभी ये मोबाइल के इस्तेमाल से वो आना शुरू हो जाएंगी। रिकमेंडेशन अभी आ चुकी है सिर्फ 2 घंटे आपने इस्तेमाल मोबाइल करना। अब आ गया सवाल हेडफोन का, हेडफोन जिस वक्त कान के अंदर लगा हुआ होता है उसमें रिटर्न में है कि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया वो उसके कान के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है क्योंकि क्लोज हो चुका होता है और कान की जो पोजीशन है, जो कान का पर्दा है, हेडफोन जब डीप इंसर्ट होता है कान के अंदर जाता है तो आवाज़ डायरेक्ट जो पर्दे के ऊपर है, डायरेक्ट पर्दे के ऊपर जा रही होती है, तो पर्दे में वाइब्रेशन भी आ रही है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहलाती है, उसकी इतनी वाइब्रेशन होती रहती है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इतनी होती है, हम जो बेसिकली सुनते हैं उसकी वाइब्रेशन से सुनते हैं, आवाज़ जाती है, टकराती है, वो फिर हम दिमाग में जाती है, वो हम परसीव करते हैं। अब हेडफोन से लगाने से वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होती है, अभी तो अगर थोड़े लो फ्रीक्वेंसी साउंड के ऊपर स्टिमुलेशन आ जाती है, हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी इतनी हो जाती है कि ज़्यादा आवाज़ हमें चाहिए होती है। अब जो हेडफोन पुराने इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनकी कंप्लेन ये आती है ये हेडफोन सही नहीं है, ख़राब है, असल में वो हेडफोन सही होता है जो आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा है, उसकी वाइब्रेशन, उसके सुनने की जो वेव लेंथ है वो आपकी बढ़ चुकी हैगी, तो अब वो फिर और बड़े हेडफोन लेते हैं और फिर वॉल्यूम ज़्यादा ऊंचा करके सुनने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डेफनेस है यानी सुनने की सलाहियत, अब इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, पहले इतने जो हेयरिंग एड डिवाइसेस थे ये नहीं बिकते थे, अब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं हेयरिंग एड। हम सब इससे इन्वॉल्व हैं और मेरा ख्याल नाजरीन की एक बड़ी तादाद इसमें इन्वॉल्व होगी हेडफोन के अंदर, और बहुत फ्रिक्वेंटली, और मतलब मैं तो जैसे जहाज़ों में आता जाता जहाँ भी मेरा सफ़र रहता है तो जहाज़ तो पूरा मतलब कि 8-8 घंटे 7-7 घंटे तक, बल्कि बादों का तो मैंने ये भी यहाँ तक देखा है कि मतलब जहाज़ में मुसलमान गैर मुस्लिम सारे होते हैं तो ये हेडफोन लगाकर इन्होंने वो फिल्म या कोई भी चीज़ ऑन कर दी होती है और ये बैठ गए, बैठे बैठे सो गए, अब ये वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यानी कि कान की तकलीफ बंद नहीं हुई आपकी, आप सो गए, दिमाग को भी आपने रेस्ट दे दिया, कान को रेस्ट नहीं दिया, और ये हेडफोन लगे हुए 8-8 10-10 घंटे तक, एयरपोर्टों पे जाओ हेडफोन लगे हुए हैं, इधर उधर जाओ तो हेडफोन लगे हुए हैं, तो ये है ना कि आइसोलेट करना होता है अपने आप को बाकी दुनिया से, वो कहते हैं कि बस हम अपनी जिंदगी में मगन हो जाएं, इससे जो नुकसान हो रहा है वो उसकी तरफ तवज्जो उमूमन नहीं देते। अल्लाह की और अभी शायद सुना है कि जो जिस तरह आंखों के नंबर है इस तरह आप कानों की समाज के नंबर भी दिए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यही तो बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो कंप्लेन ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर सलमान ने कि एक नॉर्मल आवाज जो मैं सुन लेता हूँ मुझे सुनने में तो आ रहा है लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा ही ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलें या करीब आकर बोलते, बाज़ वक़्त ये होता है कि वर्डिंग मिसिंग हो जाती है कि शीन
आपको नहीं सुनने में आएगा, आपको स्वाद सुनने में नहीं आएगा, आपको फा सुनने में नहीं आएगा। तो आप जैसे कि अगर कोई अफजल नाम ले रहा है तो फा नहीं सुनने में आएगा, ये कान जो है ना ये वर्ड मिस कर देते हैं। ये मैंने इसकी वो पढ़ा था मैंने, तो वो अब वो फा जो है ना इस पर कान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे कि अफजल, तो अब फा नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा मिसाल के तौर पर, तो अजल नाम आ जाएगा अफजल की जगह पर। तो यूं हो जाएगा, कॉल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह सेहतमंद घराना से यह प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ। निगरान शुरा डॉक्टर जीवक, डॉक्टर सुबान साहब, डॉक्टर सलमान बैठे हुए। डॉक्टर साहब पानी के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, उसमें मैं एक बात अपनी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 20-22 साल पहले की बात है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं डॉक्टर के पास हर 15 दिन के बाद जाते था और उनसे इलाज वगैरह करवाता था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने एक बात की मुझे, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को मेरे पास ना लाएं तो घर के अंदर बॉयल पानी का इस्तेमाल कर। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है आज, इस बात को 20 साल से जायद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी नहीं आई है जिससे हम हॉस्पिटल जा सके। मामूली से कभी कभार मोशन होते भी है, घर के अंदर एक मामूली टैबलेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो जाता है। तो पानी का मैंने देखा कि बॉयल पानी इतना हल्का होता है कि हम बाहर अगर एक गिलास पीते हैं तो हमें सैर हो जाते हैं, घर के अंदर एक से जायद गिलास पीते हैं फिर भी प्यास की हाजत होती। तो लिहाजा हम सबको बॉयल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बॉयल पानी वाकई जो मिनरल वाटर से ज्यादा फायदेमंद है। आज जो ये बॉयल जो मैं उसी अंदाज में करता हूँ डॉक्टर के मशवरे के मतलब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह आपने अपने तजर्बात हमसे शेयर किए और ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बॉइल्ड वाटर से आपके घर में एक सेहत का दौर चला और इससे पहले आपके यहाँ काफ़ी परेशानी थी। अल्लाह मज़ीद सेहत और तंदरुस्ती आपको अता फरमाए, के बच्चों को अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉल की आपने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता था कि शुगर के मुतालिक कोई बेहतरीन नुस्खा या कोई इलाज इसको कंट्रोल करने के लिए वो बता दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने कॉल की है, हम पहले दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करीम आपको तमाम मरीजों को अल्लाह सेहत अता फरमाए। जी डॉक्टर, फिलहाल हमारे इस्लाम भाई ने शुगर के हवाले से जो कॉल की है। जब शुगर के हवाले से जो बेसिक जो है तो घर में सब पे अप्लाई होता है, ये मेल हो फीमेल हो, जो डायग्नोस है जो अनडायग्नोस भी हो, कि जो एक तो मीठी चीज़ें हैं फिर उसके साथ जो चर्बी वाली गिज़ाएँ इनको रिड्यूस कर लेना है, अपना वज़न चेक कर लेना है कि अगर ज़्यादा वज़न तो नहीं है, और प्रोफाइलेटिक एहतियाती तौर पर हर 6 माह के अंदर अपना डॉक्टर से मशवरा करके वो ब्लड ग्लूकोज की प्रोफाइलिंग करा लेनी चाहिए। मीठी चीज़ों के अंदर अब ये ज़रूरी नहीं खाली जो मीठी चीज़ है वही मीठी, जैसे दीगर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे चावल वगैरह हैं वो उस कॉम्बिनेशन में बनते हैं, मसाला जाते हैं वो भी अफेक्ट कर होता है लुबडुबे को, तो मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो इनका बेहतरीन तरकीब ये होगी हर 6 माह में अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करा लें और उसके बाद जो डॉक्टर से मशवरा करके डाइट और वज़न इसके ऊपर तवज्जो दे दें और थोड़ी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दें खाने के 30 मिनट तक। जी कॉल जी, सवाल जहन में आया था कि हम हेल्दी फूड किसको कहते हैं, ये भी थोड़ा सा वजाहत कर दें क्योंकि हम उठाने में जरा देर लगती हो, ताकि अमूमन ये होता है ना कि चीज भी है ये। देखिए ये और कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो कहलाती है जिसमें आपका फ्रूट भी शामिल हो, दाल सब्जी भी शामिल हो, गोश्त भी शामिल हो। ये बैलेंस डाइट का कंसेप्ट बहुत कम है। कैलोरीज का चार्ट लगा ले डॉक्टर साहब, कैलोरीज का भी चार्ट लगा ले। मेरे को तो बहुत समझ में आता, पर्सनली कह रहा हूँ, हालांकि मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सका हूँ, लेकिन चूंकि हमने एक दफा कैलोरीज पर सिलसिला किया था, क्योंकि ये इतना मैं सुन चुका हूँ कैलोरीज के हवाले से कि आपको मतलब रोजाना की तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए होती है एक नॉर्मल आदमी को। हाँ, अब जैसे फीमेल अलग है, मेल अलग है, बच्चा अलग है, एज के साथ से बढ़ती रहती है, स्टैंडर्ड इतनी है 1500-2000 कैलोरीज आपको आप रोजाना मतलब अपनी जो भी जनरल वर्किंग कर रहे होते हैं तो रोजाना 1500-2000 कैलोरीज आप बर्न कर रहे होते हैं, उसे यूटिलाइज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना आपने खाया 2500 कैलोरीज का, यानी
مختلف اشیاء ہیں, بسکٹ آپ نے لیے, آپ نے سموسے لے لیے, چاول لے لیے, روٹی لے لی, اس کے علاوہ فروٹ لے لیا آپ نے, اس کے علاوہ آلو چپس وغیرہ لے لیے. سالن میں بھی بوٹی کا اپنا ہے حساب کتاب, تو آلو کا اپنا حساب کتاب ہے, سبزی کا اپنا حساب کتاب ہے. تو آپ نے یہ کیلوریز, آپ فار ایگزامپل آپ نے 3 ٹائم کا کھانا کھایا اور ہر کھانا تقریباً آپ کا 800-1000 کیلوریز پر تھا, تو 3000 کیلوریز تو آپ نے اپنے اندر لے لیں, یا 1500-2500 کیلوریز آپ نے اپنے اندر لے لیں, اور آپ نے جو کام کیا ہے دن بھر کا وہ 1500 کیلوریز پر آپ نے کیا, 1000 کیلوریز آپ کے اندر رہ گئیں. یہ 1000 کیلوریز آپ کے اندر رہ گئی, کیلوریز آپ سمجھے ایک یونٹ لے لیں آپ اس کو, کہ یہ ایک بد وٹ ایک انرجی ٹائپ کی چیز تھی لیکن اب وہ اندر جمع ہو رہی ہے. تو اب وہ جو 1000 کیلوریز جو آپ کے اندر جمع ہو گئیں, وہ 1000 کیلوریز آپ کے اندر میں فیٹ بنائیں گی, چربی بنائیں گی, آپ کے بلڈ کو وہ مطلب سخت کریں گی, ٹھیک ہے, وہ بنائیں گی. اچھا اب آپ نے اگلے دن پھر 3000 کیلوریز لے لی اور آپ نے 1500 کیلوریز آپ نے برن کی, تو وہ اندر جو کیلوریز تھی وہ آپ نے 2000 سیو کر لی اور وہی 1500, تو یہ کیلوریز جو ہے نا یہ بن رہی ہیں اندر میں آپ کی. تو اصل اصول یہ ہے کہ جتنی کیلوریز آپ لے رہے ہیں اتنی کیلوریز آپ بن بھی کریں, اور اگر آپ کا اوور ویٹ ہے تھوڑا سا, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارا ویٹ کم نہیں ہوتا, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کیلوریز کا چارٹ بنائیں. آپ کیلوریز کو کم لیں اور جو اندر جو آپ کی چربی ہے نا اس کو پگھلنے دیں. وہ جب کیلوریز آپ کے اندر کم ہوں گی تو آپ کا بدن چونکہ اس کی ڈیمانڈ کرے گا, میدا ڈیمانڈ کرے گا, تو جو اندر میں جو آپ کا فیٹ بن چکا ہے, چربی بن چکی ہے, یہ اس میں سے لینا شروع کر دے گا, اور وہ مطلب یہ آپریشن کرا کر ساری وہ چیزیں نکالتے ہیں, پھر زندگی بھر اللہ نہ کرے ان کو پریشانی کا منہ دیکھنا پڑ جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھر ساتھ ساتھ تھوڑی ایکسرسائز کر لیں. تو جب آپ جب اوور ویٹ ہے نا تو کیلوریز کم لیں اور بن زیادہ کریں, یعنی اس کو جلائیں زیادہ. آپ بولا ویکنیس ہو جائے گی, ویکنیس نہیں ہوتی. کیوں ویکنیس لے نہیں ہوتی؟ کہ بعض ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشیاء عطا کی ہیں کھانے کی جن میں کیلوریز کم ہیں مگر وٹامن زیادہ ہیں, ان میں پروٹین زیادہ ہے, ان میں کیلشیم زیادہ ہے, ان میں بہت ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے اندر مطلب کہ آپ کو جیسے آپ مثال کے طور پر پانی ہے, آئی تھنک پانی 0 کیلوریز پر ہے, ٹھیک ہے, پانی 0 کیلوریز پر ہے, پانی میں کوئی کیلوریز نہیں ہے, لیکن پانی جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو طاقت کتنی آ جاتی ہے, ہے نہیں ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ پانی 0 کیلوریز پر ہے, لیکن جب پانی پیتے ہیں تو آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے لیکن کیلوریز نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح اور اشیاء جس کی 10 کیلوریز ہوتی ہیں, اس میں کسی میں 20 کیلوریز ہوتی ہیں, کسی میں 5 کیلوریز ہوتی ہیں, لیکن جب کھائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے اور اس کے اندر وٹامنس الگ ہیں, وٹامن ڈی ہے, وٹامن سی ہے, وٹامن اے ہے اس کے اندر, اور مطلب کہ پروٹین ہے, اور طرح طرح کی اس کے اندر ایسی اجزاء ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ صحت و تندرستی دیتے ہیں. اسی طرح اچھا پھر ویٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چاول اگر تھوڑا سا اتنا سا چاول لیا ہے, فور ایگزامپل اتنا سا چاول لیا اس کے اندر 100 کیلوریز ہیں, اب آپ اتنا چاول لے لو گے تو اس کے اندر 200 کیلوریز ہو جائیں گی. تو ویٹ کے حساب سے بھی کیلوریز میٹر کرتی ہیں, کہ ایک اتنا بڑا آلو ہے آپ بولو میں پورا آلو کھا جاؤں گا تو پورا آلو کھا جائیں گے تو وہ اتنی کیلوریز چلی جائیں گی, اگر آدھا آلو کھائیں گے تو اس کی 1/2 کیلوریز آپ کے اندر چلی جائیں گی. تو کیلوریز کا تعلق بھی ویٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ہم نے پورا اس پر سلسلہ کیا ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر کوئی اچھا مناسب مطلب کہ غلط نہ ہو, اس کی کیلکولیشن غلط نہ ہو, اس کی کیلوریز کا چارٹ اگر ہم اپنے گھر میں لگا لیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 50 کیلوریز کی یہ چیز ہے, 20 کیلوریز کی یہ چیز ہے, اتنا ویٹ ہو تو یہ چیز ہے, گاجر ہے اس کی کیلوریز اتنی ہے, تو کھیرا ہے تو اس کی کیلوریز اتنی ہے. میرے گاجر اور کھیرے میں 10-10 کیلوریز ہوتی ہیں شاید, کم و بیش 10-12, ویٹ پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کیلوریز کا, کہ اگر وہ مطلب وہ آدھا کلو کی بھی چیز ہے تو اس کی کیلوریز ڈبل ہو جائیں گی, اگر وہ 1 پاؤ ہے تو اس کی کیلوریز آدھی ہو جائیں گی. تو یہ ویٹ پر بھی کیلوریز کا ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کیلوریز یہ ورڈ میرے لیے ایک ٹائم پہ بہت نیا ورڈ تھا, جب ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر کامران کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پڑھا, اب ہم نے مدنی کلینک سلسلہ کیا تھا, تو اس میں میرے لیے کیلوریز کی جو سائنس تھی اور اس کی وہ بالکل نہیں تھی, لیکن ایک عرصے تھے پھر کیلوریز پر اور اس طرح کی چیزوں پر اسٹڈی چلتی رہی, کچھ معلومات میں گین کرتا رہا,
तो मेरी तमाम तर इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों से मदनी इल्तिजा है कि अगर आप वाकई अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज यानी वर्जिश वो होती है वेट और एज के मुताबिक। हर वर्जिश हर वेट वाले को और हर एज वाले को सूट नहीं करती, ये याद रखिएगा। तो वो उस पर मशावरत करके अपने अंदर वर्जिश का सिलसिला शुरू करें और अपनी जो खाने पीने की जो डाइट है इसको आप लें और आपकी जो वर्किंग है उसको देख लीजिए। तीन चार चीज़ें हैं, आपको शायद किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार किसी डॉक्टर से मशवरा करके अपना मतलब कि ग़िज़ाओं का बना लें। तेल जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तेल आधा कर दें, 25% कर दें। हमारे अमीर सुनो तो पानी वाला खाना खाते हैं, यानी सालन भी पानी में पकता है, आपके चावल भी पानी में पकते हैं, और बिल्कुल तेल ना बता, अगर आपका बस चले तो तेल हो ही ना, और बहुत सारा खाना आपका बगैर तेल का ही होता है, और हम भी साथ खाते हैं। जर्नली तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कोई टेस्ट में इतना फर्क नहीं लगता, यानी अगर हमारे साथ इस्लाम में बैठे हुए हों और अम्मी ने सुन्नत के बर्तन से निकाल के मेरे खाना दे दूं तो शायद इनमें एक तादाद होगी जिनको ये पता ही नहीं होगा कि इसमें तेल नहीं है, क्योंकि टेस्ट मसाले से बनता है। तो मसाले भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉर्मल हो। तो जितना हो सके कुकिंग तेल को भी अपने घर से कोई मतलब के देश निकाला दे दें उसको भी, कि कम से कम उसका इस्तेमाल हो। और अगर आपको वाकई कुछ एनर्जी गेन करनी है तो अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसकी वो निकाल दें आप, वो जर्दी। अब तो जर्दी की भी साइंस तब्दील हो गई है, हैं हाँ जर्दी। अब जो नई साइंसी तहकीक आई है, मेडिकली तहकीक आई है, कि पहले ये था कि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल था, अब साइंसी तहकीक ये है कि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल नहीं, मतलब वो जर्दी कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ाती नहीं है, राइट और रॉन्ग? ऑलमोस्ट सही है, लेकिन वो जैसा आप जो फरमा रहे वो भी ज्यादा बेहतर है, वो तो वाइट तो सब ये कल पता चले कि वो डॉक्टर से भूल हो गई थी तहकीक वालों से उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो खा तो गए। अब तो ऐसा वो फिर अगर हम ये खाना शुरू करें तो असल में जो रिटर्न रिजल्ट जो ज्यादा मिलता है ना वो वाइट के मिलता है, जो वो प्योर प्रोटीन है, प्योर कैल्शियम है, वो प्रोटीन है, वो कैल्शियम है जो सिमिलर होता है आपके मसल मास के लिए। चले डॉक्टर जीरक से कुछ राय लेते हैं अब तक की डिस्कशन पर और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। जी, ज्यादातर तो डायबिटीज के हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो यहाँ पर मैं एक मदनी फूल अर्ज करने की कोशिश करूंगा। बाज दफा यूं होता है कि डायबिटीज के मरीज को डॉक्टर की तरफ से बहुत सारी हिदायत और मशवरे मिल चुके होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उनका दिल मुतमईन नहीं होता। शायद इसमें कुछ कसूर डॉक्टर का भी है कि वो सही तरह से मरीज को मुतमईन नहीं कर पाते, और ये देखा जाता है कि जब मरीज मुतमईन नहीं होगा तो वो शायद डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो ना करे। तो मरीज को चाहिए कि वो अपनी तौर पर मुकम्मल सेटिस्फेक्शन जो है वो डॉक्टर से हासिल करे, और जो डॉक्टर मशवरा दे डायबिटीज के हवाले से हो या दीगर बीमारियों के हवाले से हो, आप कोशिश करें कि उसको फॉलो करने की तरकीब हो। डॉक्टर जीरक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुबान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदी चाय के नाजरीन, हमने एक सिलसिला किया आपके सामने सेहतमंद घराने के हवाले से। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप मतलब माँ, वालिद, भाई, बहन ये सेहतमंद रह सकते हैं। और ग़िज़ाओं पर बहुत डिपेंड किया जाता है, इस पर लोगों को तरह तरह की परेशानियाँ बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये बीमारियाँ परेशानियाँ ग़िज़ाओं की वजह से हैं। फिर हमारा मतलब कि गैर फितरी अंदाज मोबाइल फ़ोन का और पीसी टैबलेट का, टीवी की स्क्रीन को देखने का एक गैर फितरी अंदाज, एक हर चीज़ अपनी हद में अच्छी लगती है। फिर हमने बच्चों को दे दिए मोबाइल सेट दे दिए, इनको पीसी टैबलेट दे दिए, इनके हाथ में ऐसे खिलौना दे दिया है कि ये लो ये देखो, इनको कुछ भी आप चला कर दे रहे हैं, इनकी आंखों में भी इतनी ताकत नहीं है कि आम बड़ा आदमी इसको 2-2.5-3 घंटे की रिकमेंड की जा रही है कि इससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें कि इसमें रेडिएशंस होती हैं और इस तरह की मतलब के नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, आप अपने बच्चों को दे देते हैं। आपको पता है कि इससे बाद वक़्त आँखों का कैंसर हो जाने का भी अंदेशा है मोबाइल फोन के, हैं डॉक्टर साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा? तो कैंसर है, है? तो कैंसर है और इस तरह की चीजें। तो आप अपने बच्चों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं?
क्यों इनके हाथ में ये खिलौने के नाम पर आप मोबाइल हो ये सब दे रहे हैं कि वो बैठ गया कोने में, वो तो बैठ गया कोने में, उसको तो उसमें से आवाज भी आ रही है, उसकी जो चेंजेस हो रही है उसका तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह ना करे इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया, इसकी ज़हनी सलाहियतें कमज़ोर हो गई, इसके पढ़ने की लिखने की समझने की सलाहियत कमज़ोर हो गई, इसकी आंखें कमज़ोर हो गई, इसके पाँव सही काम नहीं करेंगे क्योंकि बैठा रहेगी जगह पर मूवमेंट तक नहीं करेगा, अल्लाह ना करे इसके घुटने ख़राब हो गए, इसके बाजू ख़राब हो गए, इसकी कलाइयों में दर्द शुरू हो गया, इसके कंधे में दर्द शुरू हो गया, इसके पीछे कमर की तरफ जो हड्डी जा रही है जो गर्दन से हमारी होकर जा रही है, इसकी वेन को जाम हो गई, इसकी कमर में दर्द शुरू हो गया, खुदा ना खासा इसके पट्टे जाम हो गए, कुछ सैकड़ों किस्म की चीजें इसके साथ हो सकती हैं कि आपने उसको लेकर पहले खिलौने तो इधर भागता था उधर भागता था इधर उधर वो फेंका ये फेंका, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन अब मोबाइल फोन लेकर तो वो एक तरफ बैठ गया है और उसके अंदर वो खो गया है, उसकी उसकी आंखों की कमजोरी के साथ साथ दिमाग की कमजोरी के साथ साथ बड़ी खतरनाक बीमारियां हो जाने का अंदेशा है। तो प्लीज मेरी मदनी इल्तिजा है, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, खुद को भी इन चीज़ों का आदि बनाने से हम बचें, और जो जितना मतलब कि एक मोतदिल यानी एक बैलेंस के साथ जिस चीज़ का इस्तेमाल है, बड़ों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, उसको रखें, और खाने पीने के हवाले से देखें कि कौन सी चीज़ें आपको सेहत भी दे रही हैं और गजाइत भी दे रही हैं, उनको आप यूटिलाइज करें, इस चीज़ पर गौर करें, मशवरा करें, फैमिली मेंबर बैठकर अपना कोई फैमिली बैठकर कोई मतलब खाने पीने का चार्ट बनाए, कोई मेन्यू बनाए, होटल में जाते मेन्यू मिलता है नहीं मिलता, तो अपने घर का भी कोई सा मेन्यू बना लें, और फिर इधर उधर के बाजारी खानों से अपने आप को बचाएं, पैदल चलें, पैदल चलें जितना हो सके, अल्लाह तौफीक दे आप पैदल चलें, अगर टेलीफोन में बात भी कर रहे हैं तो पैदल चलते चलते भी बात की जा सकती है, जिनको लगता है कि मेरे पैदल चलना मुश्किल है उनको मैं ज़्यादा मशवरा देता हूँ कि आप फिर भी जोर देकर पैदल चलें, कि आज आप एक मिनट पैदल चलने में आपको तकलीफ हो रही है कल आधी मिनट चलने में भी तकलीफ होगी, अगर एक मिनट की तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे तो एक मिनट कल दो मिनट में तब्दील हो जाएगी, आपका थोड़ा सा लेवल ऑफ बर्दाश्त जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये चंद चीज़ें मैंने मिली जुली सी आपके सामने बयान करने की कोशिश की है, इसी तरह हाथ धोने के हवाले से, मुंह हाथ धोने के हवाले से, मिसवाक और ब्रश के हवाले से, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी अपने आप को अपने बच्चों को एक्टिव रखें, अल्लाह करम करे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उसकी इबादत के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, यानी मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ कि मैं अपने रब की इबादत कर सकूँ, उसको राज़ी कर सकूँ, तो सेहतमंद रहने के जितने मैं इंशाल्लाह इस मामले में शरीयत के मुताबिक जो मैं अंदाज इख्तियार करूँगा इंशाल्लाह मुझे उस पर सवाब मिलेगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तबाही के करीब बान लगा।